नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू किया जा रहा है, जिससे आप आसानी से इंग्लिश स्पीकिंग कर पाएंगे। इतना इजी स्पीकिंग कोर्स आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा, और भी फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। खासकर इस बात को ध्यान देते हुए शुरू किया जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो प्राइवेट जॉब की ओर आप इंटरव्यू देने जाते होंगे, तो प्राइवेट जॉब में इंग्लिश स्पीकिंग कंपनी एक्सपेक्ट करती है आपसे, तो आप इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। यदि आप अभिभावक भी हैं तो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते होंगे और वहाँ पर आपको पीटीएम में जाना होता होगा, या बच्चों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग करने में आपको परेशानी होती होगी, वो भी इस कोर्स के माध्यम से सॉल्व हो जाएगा आपका। तो देखिए आगे वीडियो, एक बहुत ही रोचक ढंग से आपको इंग्लिश स्पीकिंग शुरू किया जा रहा है। हेलो रजत, कैसे हो? फाइन सर। इंग्लिश की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं सर। जानते हो रजत, यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा परेशानी क्यों होती है? नो सर। चलो, तुम लोग को बहुत ही व्यवहारिक और अच्छी भाषा में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाएं। जरूर सर, थैंक यू। देखो रजत, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं ले जाऊंगा, जिसकी वजह से लोग इंग्लिश बोलने से महरूम रह जाते हैं। मैं तुम्हें बहुत ही सिंपल सेंटेंस में इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूंगा। केवल दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस तुम याद रखो। केवल दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस तुम ध्यान से सुनो। पहला वह सेंटेंस जिसमें कोई कार्य न हो रहा हो, और दूसरा जिसमें काम हो रहा हो। जैसे बहुत सिंपल, वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। यहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वह दौड़ता है, ही रन्स, तो इसमें काम हो रहा है। तो दो टाइप ऑफ सेंटेंसेस केवल अगर आप शुरू में समझोगे तो इंग्लिश बहुत आसानी से समझ सकते हो। जिसमें काम नहीं होता है, उस टाइप के सेंटेंसेस में हम लोग दिस, दैट, दीज या दोज का प्रयोग करते हैं। दिस एक के लिए होता है, यह, दिस का प्लूरल होता है यानी बहुवचन, दीज, टी एच ई एस ई। उसी तरह दैट का प्लूरल होता है दोज, टी एच ओ एस ई। इसका मतलब अगर हम कहें कि वह किताब है तो दैट इज अ बुक, लेकिन वे किताबें हैं, दोज आर द बुक्स। तो यहां पर यह चीज समझने वाली है। सर ये तो बड़ा आसान है, इस तरह तो मैं भी बना सकता हूँ। जैसे वह एक कुत्ता है, दैट इज अ डॉग। वेरी गुड रजत। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। Yes. ये किताबें हैं, these are the books. Very good रजत, बहुत अच्छी। इस तरह से तुम प्रैक्टिस करके पहले बिना क्रिया वाले सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। एक चीज इसमें और ध्यान रखना, this एक के लिए होता है, इसलिए उसके साथ हम is का प्रयोग करते हैं, और जब इसका प्लूरल रहेगा बहुवचन दीज या दोज, तब हम आर का प्रयोग करते हैं। कोई वस्तु अगर ए है, एक है, तो वहां हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, और अगर ज्यादा है, जैसे बुक है तो अ बुक, और अगर ढेर सारी किताबें हैं तो द बुक्स। यही छोटी छोटी चीजें हैं, इसे ध्यान रखना, और आगे की क्लास जो भी तुम्हें पूछना होगा कल जरूर पूछना।